सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई बार सामने वाले अपनी मंद मर्जी से ही मान लेता है कि मुझसे द्वेष करता है। कई बार देखा मैंने, अनुभव की बात है, कई बार ऐसे विचित्र लोग होते हैं कि अपने मन से ही मान लेते हैं कि ये मुझसे द्वेष करता है, जबकि करता नहीं, मान लिया अपनी मर्जी से ही। आदमी सांप से डरता है, सांप आदमी से डरता है, आदमी सांप से इसलिए डरता है मुझको काट लेगा मर जाऊंगा, सांप इसलिए डरता है कि ये मुझको लाठी से मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। तो आदमी सोचता है मैं सांप को मार दूं जो मुझको काट ना पाए, और सांप सोचता है कि मैं आदमी को काट खाऊं जो मुझको मार ना पाए। दोनों ही बिना बात के एक दूसरे के दुश्मन बने। सांप ने फन उठा लिया, काटूंगा जिससे कि मर जाए फिर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आदमी ने भी डंडा उठा लिया कि मैं इसको मार दूं मैं बच जाऊंगा, मैं निश्चित हो जाऊंगा, और जो ही लाठी तानी लगा मारने, तुरंत सांप ने मारा डंक और उसने मारा डंडा, उसका फन फट गया, उधर उसको भी डंक लग गया, अंत में सांप भी मर गया और आदमी मर गया। ऐसी बहू घर में आती है नई नई, सास डरती है, थोड़ी सी भी गलती हो जाए, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, गलत व्यवहार हल्का सी भी हो जाए, सास डर जाती है, अरे अभी नई नई ऐसे कर रही है फिर क्या करेगी, ये तो घर को बिल्कुल धूल में मिला देगी, बिना बात के डर जाती है और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करने की सोचती है। इधर बहू भी, क्योंकि सास बहू की बहुत किस्से सुन चुके हैं वो शादी से पहले, उसको भी शंका है, ये सासें कट्टर होती हैं, बहुओं को बड़ा दबाती है, मैं भी दबके नहीं रहूंगी। बिना बात के सास उसको दबाना चाहती है और वो सास से दबना नहीं चाहती, अगर यदि मैं अभी दब गई तो जीवन भर दबाती रहेगी, मैं भी आंखें दिखाऊं। सास भी बढ़िया थी, बहू भी बढ़िया थी, लेकिन बिना बात के शंका है सास को बहू के ऊपर, ये मन मर्जी करने लग जाएगी यदि इसको दबाया नहीं गया, और बहू सोचती यदि मैं दब गई तो जीवन भर दबी रहूंगी, दबाती रहेगी, मैं भी अकड़ू फन उठाऊं अपना। बिना बात के सास बहू में झगड़ा, बिना ये बात के शंका है। कैसी शंका? जैसे आदमी और सांप के मन में शंका है, अरे सांप अपने रास्ते चले, आदमी अपने रास्ते, क्यों तो आदमी सांप को मारेगा, क्यों सांप आदमी को काटेगा, और सांप का स्वभाव है जब तक उसकी पूंछ में पांव न रखा जाए, जब तक कोई सांप को छेड़े ना तब तक सांप काटता नहीं। सांप डरता है आदमी से, वो तो दूर भागता है आदमी को देखते ही, तो सांप आदमी से डरता है, दूर भागता है, और आदमी सांप से दूर भागता है, तो दोनों दूर दूर रहना चाहते हैं, तो रहो दूर दूर, लेकिन दोनों कहते कभी भी काट सकता है इसको मार दूं, सांप भी कहते कभी भी मार सकता है इसको काट खाऊं। तो ऐसी जैसे आदमी सांप बिना बात के एक दूसरे से डरते हैं, ऐसी सास बहू बिना बात के झगड़ा मोल ले लेते हैं, ये मुझको दबाएगी मैं दबूंगी नहीं, पहले से घर से ही सोच के चली थी, और सास ने भी शादी से पहले ही, बेटे की शादी से पहले सोच रखा था कि बहू को उठने नहीं दूंगी, दबा के रखूंगी, क्योंकि नहीं दबाया गया तो कल मेरे सर पे नाचेगी। बिना ये बात के सास में भूत सवार, बिना बात के बहू, और दोनों में वही आदमी सांप वाला झगड़ा शुरू, दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं, घर नरक बन जाता है।